नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं, प्रसन्नचित्त हैं और पढ़ाई लिखाई के प्रति पहले से ज़्यादा सजग हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग हमारे इस क्लास में जल्दी से जल्दी जुड़ जाएंगे। आइए, आज जो हम लोग विषय पे चर्चा करेंगे वो है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। हमने इसके पहले ये देखा कि कंप्यूटर क्या होते हैं, कंप्यूटर के क्या विशेषताएं हैं, और साथ ही साथ हमने पिछले कुछ क्लासेस में कंप्यूटर के ब्लॉक डायग्राम, उनके वर्किंग प्रिंसिपल्स और वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर के बारे में विस्तार में देखा। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं और ये अलग अलग कंप्यूटर के जो प्रकार हैं ये किस प्रकार से काम करते हैं और इनका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जा सकता है। तो अगर हम कंप्यूटर का वर्गीकरण करें तो हम अपने कंप्यूटर को दो अलग अलग तरीके से बांट सकते हैं। हम दो आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण कर सकते हैं और वो दो आधार कौन कौन से हैं? पहला पहला जो है डेटा रिप्रेजेंटेशन और कार्य के आधार पर। और जो दूसरा वर्गीकरण करेंगे वो आकार, साइज गति यानी कि स्पीड और कीमत यानी कि कॉस्ट के आधार पर। तो हम लोग अपने कंप्यूटर को दो आधार पर वर्गीकरण करके समझने का प्रयास करेंगे कि हमारे कंप्यूटर कितने अलग अलग टाइप के हैं, आकार, गति और कीमत के आधार पर, दूसरा डेटा रिप्रेजेंटेशन और कार्य करने के सिद्धांत के आधार पर। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं पहले आधार पर, डेटा रिप्रेजेंटेशन और कार्य करने के सिद्धांत के आधार पर। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कार्य करने के आधार पर। अगर हम कंप्यूटर का वर्गीकरण करें तो हमारा जो कंप्यूटर होंगे वो मुख्य तौर पे तीन प्रकार के होंगे। कंप्यूटर तीन प्रकार के होंगे। पहला एनालॉग कंप्यूटर्स, दूसरा डिजिटल कंप्यूटर्स और तीसरा हमारा होगा हाइब्रिड कंप्यूटर्स। तो अगर कार्य करने के सिद्धांत की बात करें, डेटा रिप्रेजेंटेशन की बात करें, तो हमारे कंप्यूटर तीन प्रकार के होंगे, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर्स और हाइब्रिड कंप्यूटर्स। तो आइए दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एनालॉग कंप्यूटर्स के बारे में। अगर हम एनालॉग कंप्यूटर्स की बात करते हैं तो एनालॉग कंप्यूटर करते क्या है,
ये एनालॉग डेटा को इनपुट लेते हैं। देखिए डेटा हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एनालॉग और दूसरा होता है डिजिटल। एनालॉग डेटा जो होता है वो कंटिन्यूअस वेव फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। एनालॉग डेटा को कंटिन्यूअस वेव फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे हमारी आवाज जो है, जो आपको सुनाई दे रही है, ये एक एनालॉग सिग्नल है, राइट? वोल्टेज, ये एक एनालॉग सिग्नल है। प्रेशर, टेम्परेचर, इन सभी को जिसको हम एक कंटिन्यूअस स्केल पे नापते हैं उनको हम लोग कहेंगे एनालॉग सिग्नल्स, एनालॉग डेटा। और जिनको हम डिजिट्स के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, जीरो या वन या डिस्क्रीट डिजिट जीरो से लेके नाइन, ऐसे सारे डेटा को हम लोग कहेंगे डिजिटल डेटा या डिजिटल सिग्नल। अब जैसे हम अपनी घड़ी की बात करें, आजकल तो डिजिटल घड़ियां आ गई हैं। पहले जो हम लोग घड़ी यूज करते थे, मोस्टली अभी भी कई लोग यूज करते हैं, कांटे वाली जो सुई वाली घड़ियां होती थी वो एक एनालॉग घड़ी होती है। उसमें आप देखेंगे जो सुइयां हैं वो अगर 12 से 5 पे जाना है तो 12 से 5 के बीच में जितने भी स्थान होंगे सबसे होते हुए गुजरेंगे, 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, और 12 से 1 जाने के दौरान भी वो 12 से 1 के बीच में जितनी भी स्थान है सबसे होते हुए गुजरती हैं। तो एनालॉग डेटा इज मेजर्ड ऑन एनालॉग जो सिग्नल होते हैं आर कंटिन्यूअस इन नेचर। जैसे हमने आपको बताया हमारा वोल्टेज है, वोल्टेज आपका एक कंटिन्यूअस वेव फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जो हमारे एनालॉग कंप्यूटर्स होते हैं वो ऐसे ही फिजिकल क्वांटिटीज को, एनालॉग डेटा को इनपुट के तौर पे लेते हैं, उनको प्रोसेस करते हैं, और प्रोसेस करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसके अकॉर्डिंगली वो अपना कार्य करते हैं, ठीक है? तो अगर हम एनालॉग कंप्यूटर्स की बात करते हैं तो एनालॉग कंप्यूटर्स कुछ भौतिक इनपुट कंटिन्यूअस स्केल पर नापते हैं और उन्हें उसी रूप में इनपुट के रूप में इनपुट लेते हैं। ये कंप्यूटर इन डेटा की प्रोसेसिंग करके
अपना निहित कार्य करते हैं। यह है हमारा एनालॉग कंप्यूटर। अब ये कैसे कंप्यूटर है जरा इसको समझे। आपने न्यूक्लियर रिएक्टर्स के बारे में सुना होगा। न्यूक्लियर रिएक्टर्स जहां पर हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी से, एटॉमिक एनर्जी से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, वहां पर हम लोग रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस को चेन रिएक्शन करके उसको हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलते हैं। और आपको पता है जहां पे रेडियो एक्टिविटी है वहां पे नुकसान हो सकता है, वहां पर खतरा है। अगर कोई उसके संपर्क में आएगा तो वो खत्म हो जाना है। आप लोगों ने सुना होगा चेर्नोबिल का नाम, रशिया में एक न्यूक्लियर रिएक्टर था चेर्नोबिल में, वहां पर हुआ क्या, वहां पर न्यूक्लियर रेडिएशन लीक हो गया। जब न्यूक्लियर रेडिएशन लीक हुआ तो आसपास के 20-25 किलोमीटर के दायरे में जितने लोग उसके संपर्क में आए वो सब मर गए। जो बच गए वो विकलांग, जिन किसी की आंख खराब हो गई, किसी के हाथ पैर खराब हो गए, जो उनके यहाँ आज भी जो बच्चे पैदा होते हैं वो ऐसे ही अपंग पैदा होते हैं। हिरोशिमा नागासाकी के बारे में हमें बताने की आवश्यकता नहीं, आप लोग उसके बारे में भली भांति जानते हैं। तो आपको क्या लगता है, आई एम सॉरी यहाँ पे कंप्यूटर की स्पेलिंग थोड़ी सी गड़बड़ है, हाँ, आपको क्या लगता है वहां पर कोई टेम्परेचर नापने जाता होगा, कोई प्रेशर नापने जाता होगा, कोई वोल्टेज नापने जाता होगा? नहीं, वहां पे जाएगा तो उसको विकिरण का खतरा है। तो वहां पे क्या है, हमारे मशीन्स लगे हैं, हमारे पास टेम्परेचर नापने के लिए थर्मामीटर लगा है, वोल्टेज नापने के लिए वोल्टमीटर लगा है, करंट नापने के लिए एमीटर लगा है, प्रेशर नापने के लिए बैरोमीटर लगा है। और ये सारे के सारे जो इनपुट हैं जो वहां से हैं, वो सारे के सारे इनपुट हमारे कंप्यूटर में डायरेक्टली कनेक्टेड है। वहां पे उसको कोई पढ़ करके कंप्यूटर में फीड नहीं कर रहेगा। और वो कंप्यूटर स्पेशली प्रोग्राम्ड है, वहां पर क्या होगा, जैसे ही देखेगा टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है उसकी कूलिंग यूनिट अपने आप ही ऑन करेगा, जैसे ही देखेगा प्रेशर ज्यादा हो रहा है वो चेन रिएक्शन को रोक करके आपके प्रेशर को रिलीज करने का काम करेगा, वो जैसे ही देखेगा वोल्टेज ज्यादा हो रहा है वो प्रोडक्शन को बंद करेगा, उसको कंट्रोल करने का काम करेगा, इत्यादि इत्यादि। वहां पे इंसान जा करके कंट्रोलिंग का काम नहीं करेगा। हाँ, मॉनिटरिंग करने के लिए इंसान बैठा जरूर रहेगा जो दूर बैठ करके अपने कंट्रोल रूम में उसको मॉनिटर करता रहेगा, परंतु वो वहां पे जा करके ऐसे काम नहीं करेगा। तो ऐसे जगहों पर जहां पर हमने अभी नाम लिया न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, इसके अलावा स्पेस रिसर्च में, इसके अलावा आपके सिस्मोलॉजी में जहां पे भूगर्भ का अध्ययन होता है, ऐसे जगहों पर हम लोग एनालॉग कंप्यूटर्स का प्रयोग करते हैं। तो एनालॉग कंप्यूटर ऐसी भौतिक क्वांटिटीज को जो कि कंटिन्यूअस स्केल पे मेजर किए जाते हैं उनको नापते हैं, उन इनपुट को उसी रूप में लेते हैं, उनकी प्रोसेसिंग करते हैं, प्रोसेसिंग करके अपना जो निहित कार्य है उसको पूरा करते हैं। तो ऐसे कंप्यूटर को हम लोग कहेंगे एनालॉग कंप्यूटर्स। अब आते हैं हम लोग दूसरे टाइप के कंप्यूटर में। हमारा जो दूसरे टाइप का कंप्यूटर है वो है डिजिटल कंप्यूटर्स। अगर हम डिजिटल कंप्यूटर्स की बात करें तो ऐसे कंप्यूटर कुछ डिस्क्रीट डिजिट्स
नंबर्स के ऊपर काम करते हैं, नंबर्स के ऊपर उसको मेजर करते हैं और उन नंबर्स की प्रोसेसिंग करके आपको रिजल्ट देते हैं। तो अगर हम डिजिटल कंप्यूटर की बात करें तो ये कंप्यूटर वस्तुओं को संख्याओं के रूप में निरूपित करते हैं। उनके मान को अंकों के रूप में इनपुट लेते हैं। स्टोर करते हैं और उनकी प्रोसेसिंग करते हैं। प्रोसेसिंग करके अपना निहित कार्य करते हैं। ये डेटा को स्टोर करने के लिए, डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, डेटा को प्रोसेस करने के लिए अंकों का सहारा लेते हैं, डिजिट्स का सहारा लेते हैं और उसी रूप में उसको स्टोर भी करते हैं, प्रोसेस कर भी करते हैं और अपना सारा काम अंकों के रूप में करते हैं। हमारे आसपास जितने भी जनरल पर्पस कंप्यूटर हैं जो हम अपने दफ्तरों में देखते हैं, दुकानों में देखते हैं, स्कूल कॉलेज हर जगह जो आप प्रयोग कर रहे हैं, वो सारे के सारे डिजिटल कंप्यूटर्स हैं। और आपको पता है कि आप जितने भी कंप्यूटर आप यूज कर रहे हैं वो मोस्टली बाइनरी नंबर्स पे काम करते हैं। किस पे काम करते हैं? बाइनरी नंबर्स पे, है ना। इसके अलावा और भी कई नंबर सिस्टम हैं, जैसे कि ऑक्टल नंबर सिस्टम, जैसे कि डेसिमल नंबर सिस्टम, जैसे कि हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम, इनका भी प्रयोग किया जाता है डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो डेटा को इन नंबर सिस्टम्स का प्रयोग करके डेटा को स्टोर किया जाता है, डेटा को प्रोसेस किया जाता है और अपने जो भी निहित कार्य हैं उसको ये लोग इसी रूप में करते हैं। ऐसे सभी जनरल पर्पस कंप्यूटर जो हमारे अगल बगल आपको दिख रहे हैं, इनको हम लोग डिजिटल कंप्यूटर्स कहते हैं। अब आइए हम लोग तीसरे प्रकार के कंप्यूटर्स की बात करते हैं। अगर हम तीसरे प्रकार के कंप्यूटर की बात करें वो है हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर्स। हाइब्रिड मतलब जिसमें दोनों समावेश हो, डिजिटल का भी और एनालॉग का भी। जहां पर दोनों का समावेश होता है उनको हम लोग क्या कहते हैं? हाइब्रिड कंप्यूटर्स। ठीक है, तो हाइब्रिड कंप्यूटर्स में दोनों टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जाएगा, एनालॉग का भी और डिजिटल का भी। ऐसे सारे एप्लीकेशन जहां पर हम सेंसर के माध्यम से
अपने सराउंडिंग से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, उनको मापन कर रहे हैं कंटिन्यूअस स्केल पे, फिर उसको हम डिजिटल फॉर्मेट में ज्यादा एक्यूरेसी के लिए कन्वर्ट कर रहे हैं, और कन्वर्ट करने के बाद उसकी प्रोसेसिंग कर रहे हैं। ये यहां पर आप देखेंगे, जब तक वो सेंसर से ले रहा है तब तक वो एनालॉग है, फिर जब वो उसकी कन्वर्जन कर रहा है डिजिटल में, अब वो डिजिटल रूप में प्रोसेसिंग कर रहा है, यानी कि इसमें दोनों टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहा है। इसमें एनालॉग के भी एडवांटेज मिलेंगे और डिजिटल के भी एडवांटेज मिलेंगे, दोनों रूप से काम कर रहा है। ऐसे कंप्यूटर को हम लोग डिजिटल कंप्यूटर कहेंगे, सॉरी हाइब्रिड कंप्यूटर कहेंगे, हाइब्रिड जिसमें दोनों का समावेश हो, राइट। तो हाइब्रिड कंप्यूटर, इन कंप्यूटर्स में इन कंप्यूटरों में दोनों तकनीकी एनालॉग और डिजिटल का प्रयोग किया जाता है। ये कंप्यूटर सेंसर के माध्यम से अपने आसपास से एनालॉग रूप में डेटा प्राप्त करते हैं। फिर उनको उसी रूप में अथवा अधिक एक्यूरेसी के लिए डिजिटल रूप में परिवर्तित करके प्रोसेस किया जाता है, प्रोसेस करते हैं। हमारे आजकल के जितने भी मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, मेडिकल में आप लोगों ने डिजिटल एक्सरे पढ़ा होगा, आपने एमआरआई का के बारे में सुना होगा, सीटी स्कैन के बारे में सुना होगा, वहां पे पहले जो इनपुट लिया जाता है वो एनालॉग फॉर्म में ही लिया जाता है,
एनालॉग फॉर्म में उसको इनपुट लिया जाता है, फिर उसको डिजिटल फॉर्म में ज्यादा एक्यूरेसी के लिए, ज्यादा सटीकता के लिए कन्वर्ट किया जाता है, फिर उसकी प्रोसेसिंग करके आपको परिणाम दिया जाता है। तो ये कैसे कंप्यूटर है, मेडिकल इक्विपमेंट्स में जो कंप्यूटर यूज हो रहे हैं वो हमारे हाइब्रिड हैं। इसी प्रकार से वेदर फोरकास्टिंग में, हमारे स्पेस रिसर्च में, हमारे सिस्मोलॉजी में, भूगर्भीय अध्ययन में, इन सभी जगहों पर हम लोग जो कंप्यूटर प्रयोग करते हैं वो आजकल हमारे कैसे हैं, हाइब्रिड हैं, दोनों रूप में काम करते हैं, एनालॉग रूप में भी और साथ ही साथ डिजिटल रूप में भी काम करते हैं। आइए अब हम लोग दूसरे तरह की जो क्लासिफिकेशन है उसके बारे में बात करते हैं। तो अभी हमने जैसा कि बताया, अगर हम वर्किंग टाइप के कार्य के अनुसार देखा जाए तो हमारे कंप्यूटर तीन प्रकार के होंगे। एनालॉग कंप्यूटर जो हमें भौतिक मात्राओं को कंटिन्यूअस स्केल पे मेजर करके उनको क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी तो नहीं होगी बट हमारा काम चल जाता है। दूसरा है डिजिटल कंप्यूटर्स, हमारे जितने भी जनरल पर्पस कंप्यूटर हैं ये सारे के सारे डिजिटल पर्पस हैं, ये हमें अलग अलग तरह के कार्यों में मदद करते हैं। जनरल पर्पस जितने भी कंप्यूटर आपको जो अगल बगल दिखते हैं वो सब के सब डिजिटल कंप्यूटर्स हैं। फिर तीसरा हमारे पास है हाइब्रिड, जिसमें दोनों का समावेश होता है, डिजिटल प्लस एनालॉग दोनों को मिला करके हमें मिलता है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर्स में दोनों के एडवांटेजेस मिलते हैं, एनालॉग के भी उसके साथ साथ डिजिटल के भी। ये एक हाइब्रिड कंप्यूटर का पिक्चर है जो पुराने ज़माने में यूज हुआ करता था। हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग हम लोग पूर्वानुमान के लिए, यहाँ पर जहाँ पर हमें एनालॉग रूप में डेटा ले करके उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके प्रोसेस करना होता है, उसको हम यूज़ करते हैं। आइए अब दूसरे आधार पे हम लोग कंप्यूटर के वर्गीकरण की बात करते हैं। अगर हम साइज, स्पीड और कॉस्ट को आधार बनाएं तो हमारे जो कंप्यूटर होंगे वो मुख्य तौर पे चार प्रकार के होंगे। अगर हम साइज, स्पीड और कॉस्ट को आधार बनाते हैं तो हमारे कंप्यूटर मुख्य तौर पे चार प्रकार के होंगे। अब ये चार प्रकार के कंप्यूटर कौन कौन से हैं देखा जाए, जो सबसे निचली श्रेणी आती है वो होती है माइक्रो कंप्यूटर्स। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर्स। उससे ऊपर की श्रेणी है मिनी कंप्यूटर्स। मिनी कंप्यूटर्स के ऊपर वाली जो श्रेणी है उसको हम लोग कहते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। और जो सबसे ऊपरी श्रेणी है इसे हम लोग कहते हैं सुपर कंप्यूटर्स। तो साइज, स्पीड, कॉस्ट, अगर इसको आधार बनाया जाए तो हमारे कंप्यूटर चार प्रकार के हो गए। पहला माइक्रो, दूसरा मिनी, तीसरा मेन फ्रेम और चौथा सुपर कंप्यूटर। आगे की बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग अपना ध्यान माइक्रो कंप्यूटर के ऊपर केंद्रित करते हैं। अगर हम माइक्रो कंप्यूटर की बात करें तो हमारा जो माइक्रो कंप्यूटर होता है ये आकार में सबसे छोटा, आकार में सबसे छोटा होता है और इसके अंदर जो प्रोसेसर होता है वो
हमारी अलग अलग जरूरतों के हिसाब से, जहां पे हमें जरूरत ज्यादा प्रोसेसिंग पावर की नहीं है वहां पर हम कम क्षमता वाले प्रोसेसर का प्रयोग करेंगे, जहां पर अधिक प्रोसेसिंग पावर की आवश्यकता है जैसे कि डिजाइनिंग में, जैसे कि सिमुलेशंस में, जैसे कि हमारे गेम खेलने के लिए, ऐसे जगहों पर जहां पर हमें ज्यादा प्रोसेसिंग पावर की आवश्यकता होती है वहां पर हम अच्छे प्रोसेसर्स का प्रयोग करते हैं। इसमें जो रैम और स्टोरेज की मात्रा भी अपने जरूरत के हिसाब से अलग अलग लगाई जाती है और ये कीमत में बाकी सभी कंप्यूटर से बहुत कम होते हैं और ये आकार में भी बाकी कंप्यूटर से छोटे होते हैं। अब अगर हम माइक्रो कंप्यूटर की बात करें तो हमारे माइक्रो कंप्यूटर भी तीन प्रकार के होते हैं, पीसी पर्सनल कंप्यूटर, दूसरा है पीसी एक्सटी, एक्सटी का फुल फॉर्म है एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी, और तीसरा है पीसी एटी, एटी यानी कि एडवांस टेक्नोलॉजी। पीसी, पीसी एक्सटी और पीसी एटी, पीसी एटी यानी कि एडवांस टेक्नोलॉजी, पीसी एक्सटी यानी कि एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी। यहां पर थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे पीसी यानी कि पर्सनल कंप्यूटर, इन सभी माइक्रो कंप्यूटर्स को हम सामूहिक रूप से पर्सनल कंप्यूटर भी कह देते हैं, ठीक है, क्योंकि सबके नाम के आगे पीसी लगा है, पीसी एक्सटी, पीसी एटी, पीसी। हम शुरुआत करते हैं सामान्य पीसी से। अब आप लोग की बात करें तो आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि आप लोग जिस एरा में कंप्यूटर के साथ जुड़े हैं आप बहुत ही अच्छे कंप्यूटरों पे काम करना शुरू किए हैं। बट मैं अगर अपनी बात बताऊं पर्सनल, तो जब हमने कंप्यूटर पे काम करना शुरू किया था उस समय जो हमारा कंप्यूटर कॉलेज में हमें मिला करता था वो बहुत ही निचली श्रेणी का था, बहुत ही निचली श्रेणी का था, वो केवल ये था पीसी। ऐसे कंप्यूटर में हमारे पास जो प्रोसेसर होते थे बहुत ही कम क्षमता के थे, इसमें जो प्रोसेसर हमें मिले थे लगे मिले थे वो 8085 या 8086 या बहुत अच्छे मिले तो 8088। ये इंटेल कंपनी के प्रोसेसर का नाम है, 8085, 8086 या 8088। ये जो प्रोसेसर बहुत ही निचली श्रेणी के कंप्यूटर प्रोसेसर थे जिनमें 8 बिट का प्रोसेसर, ये सारे 8 बिट के प्रोसेसर हैं, यानी कि एक साथ वो 8 बिट का डेटा प्रोसेस कर सकते हैं। हमारे इन कंप्यूटर में अगर हम रैम की बात करें, मेमोरी, तो इसमें जो रैम लगा होता था 1 MB से लेकर के बहुत ज्यादा होता था तो 2 MB तक का रैम लगा होता था, ठीक है। रैम कितना होता था, 1 MB या 2 MB से ज्यादा रैम नहीं होता था। आप सोचो हम लोग कितने गरीब होते थे, हमारे कंप्यूटरों में केवल 1 MB और 2 MB का रैम लगा होता था और उसी पे हमें काम करना होता। इसमें जो हमें इनपुट डिवाइस के नाम पे केवल 2 डिवाइस मिलते थे, इनपुट डिवाइस में 1, आउटपुट डिवाइस में 1। इनपुट डिवाइस में हमें मिलता था कीबोर्ड, आउटपुट डिवाइस में हमें मिलता था मॉनिटर, और वो भी ब्लैक एंड व्हाइट। बहुत ही एलिमेंट्री कंप्यूटर था। इनपुट डिवाइस के नाम पे क्या था, हमें कीबोर्ड मिलता था, और आउटपुट डिवाइस के नाम पर हमें 2 चीज मिलते थे, एक तो मॉनिटर वो भी ब्लैक एंड व्हाइट, और दूसरा हमें मिलता था प्रिंटर वो भी डॉट मैट्रिक्स। और स्टोरेज के रूप में, सेकेंडरी मेमोरी जिसकी बात करते हैं, स्टोरेज के रूप में केवल एक ही डिवाइस
हमें उपलब्ध था वो था फ्लॉपी डिस्क। ये हमारे पीसी के कंस्टिट्यूएंट्स थे। अब ये इसकी स्पीड की अगर हम बात करें, इसके आकार बहुत बड़े नहीं थे, छोटे जितने आजकल के सामान्य कंप्यूटर होते हैं लगभग उतने ही होते थे। और इस कंप्यूटर की बात करें तो इनकी स्पीड बहुत ही मामूली स्पीड थी। हम लोग के पास हार्ड डिस्क नहीं होता था, केवल फ्लॉपी डिस्क होता था, तो हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता था इसी फ्लॉपी पे स्टोर होता था। हम लोग डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करते थे और वो डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम इस फ्लॉपी पे आ जाता था। और जब हमें रन करना होता था, कंप्यूटर को बूट करना होता, तो हम डॉस की फ्लॉपी लगा करके एंटर करके छोड़ देते थे। अब आप उसको बूट होने में कम से कम 10 से 12 मिनट 15 मिनट लग जाते थे कंप्यूटर की स्पीड के अनुसार। इतने देर में हम लोग जाके चाय भी पी के आ जाते थे, इतना स्लो हुआ करता था। स्पीड बहुत ही मामूली, जाहिर सी बात है कॉस्ट भी कम होगा। अगर आज मैं आपको वो कंप्यूटर फ्री में भी दूं तो आप लेना पसंद नहीं करोगे, क्योंकि वो आपके लिए बेकार है, आप उसमें कुछ कर ही नहीं पाओगे, है कि नहीं। तो अगर हम बात करें पीसी की, तो ये हमारे पीसी की बात थी। बाद में पीसी एक्सटी आया, हमारे कुछ कंप्यूटर बाद में हमारे कॉलेज में पीसी एक्सटी भी आ गए। पीसी एक्सटी में थोड़ा सा सुधार हुआ। पीसी एक्सटी में हमारे प्रोसेसर तो वही रहे, प्रोसेसर में कोई सुधार नहीं हुआ, प्रोसेसर सारे यही रहे, रैम भी यही रहा, कीबोर्ड मॉनिटर प्रिंटर ये भी सेम था। बट यहाँ पे स्टोरेज पे फ्लॉपी के साथ साथ हमें हार्ड डिस्क इसमें जोड़ दिया गया। तो हमारे पीसी एक्सटी में बाकी सब सेम था, यानी कि वो पीसी ही था। पीसी में अगर हम हार्ड डिस्क की सुविधा ऐड कर दें तो ये बन गया हमारा पीसी एक्सटी एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी। अब केवल हार्ड डिस्क जुड़ जाने से नतीजा क्या हुआ, दो फर्क हुए। पहला, हमारे कंप्यूटर की बूटिंग की स्पीड, काम करने की स्पीड दोनों ही बढ़ गई। अब हमारे कंप्यूटर जो पहले बूट होने में 15 मिनट तक का समय ले लेते थे, अब ये मुश्किल में मुश्किल 3 से 4 मिनट में या 5 मिनट में बूट हो जाते थे। तो ये इसकी स्पीड को बढ़ाने का काम किया। केवल बूटिंग ही नहीं, बाकी सब प्रोसेसिंग, क्योंकि हार्ड डिस्क का जो ट्रांसफर स्पीड है वो बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू फ्लॉपी डिस्क। फिर बाद में पीसी 80 आया और पीसी 80 में सारे चेंजेस हुए, प्रोसेसर भी चेंज हुआ, हमारे मेमोरी भी चेंज हुए, हमारे इनपुट डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस ये भी चेंज हुए, हमारा स्टोरेज के रूप में जो केवल फ्लॉपी था और हार्ड डिस्क था ये भी चेंज हुआ। अब हमारे पास प्रोसेसर में काफी चेंजेस आए। इसकी शुरुआत हुई 80286 से, बाद में प्रोसेसर का और विकास हुआ, हमारे पास आया 80386 प्रोसेसर, इसके बाद 80486, फिर इसके बाद P1 Pentium 1, फिर P2 Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4, Dual Core, Core 2 Duo, Core i3, Core i5, Core i7, ये आज भी जितने भी आ रहे हैं वो सब इसी में आ रहे हैं, PC 80 की श्रेणी में ही आ रहे हैं। रैम 2 MB से शुरू हुआ था, 4 MB से शुरू हुआ और ये आज बढ़ते बढ़ते हमारे पास 8 GB और 16 GB तक बड़े आराम से हम लोग यूज करते हैं। इसके अलावा इनपुट में हमारे पास केवल कीबोर्ड ही नहीं, कीबोर्ड के साथ साथ और भी अन्य तरह के इनपुट डिवाइस जैसे कि माउस, माउस के बाद हमारे पास स्कैनर, स्कैनर के बाद हमारे पास और भी अलग अलग तरह के इनपुट डिवाइसेस
आने लगे। और स्टोरेज के लिए हमारा फ्लॉपी डिस्क से शुरू था, जो कि बाद में धीरे धीरे बाहर कर दिया गया। हार्ड डिस्क आया, हार्ड डिस्क के बाद सीडी आया, सीडी, पेन ड्राइव, यूएसबी ड्राइव इत्यादि इत्यादि, अलग मैग्नेटिक टेप, अलग अलग तरह के आउटपुट डिवाइसेस भी आए। हमारे पीसी 80 की स्पीड अगर देखा जाए तो पीसी की तुलना में, पीसी XT की तुलना में बहुत ज्यादा होते हैं। और साथ ही साथ इसमें अगर हम बात करें प्रोसेसिंग क्षमता, प्रोसेसिंग की क्षमता हमारे पीसी XT की तुलना में बहुत ज्यादा, अलग अलग तरह के कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस में हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर हम उसे पीसी XT से करने का प्रयास करें तो संभव नहीं है। तो माइक्रो कंप्यूटर, जो हमारे जनरल पर्पस कंप्यूटर हम लोग अपने घरों में जो आमतौर पे सिंगल यूजर्स के लिए यूज किया जाता है, उनको हम लोग माइक्रो कंप्यूटर्स कहते हैं। ये आकार में सबसे छोटे, स्पीड में बाकी सबकी तुलना में बहुत कम, कॉस्ट भी हमारे, आपको पता है, अलग अलग प्रोसेसर के हिसाब से अलग अलग पड़ती है। अगर आप खरीदना चाहें तो आज की डेट में एक पीसी आपको बमुश्किल 15,000 से लेकर के 1-1.5 लाख रुपए तक में भी मिलते हैं। ये हुआ हमारे साइज के हिसाब से सबसे निचली श्रेणी, स्पीड के हिसाब से सबसे निचली श्रेणी, कॉस्ट के हिसाब से भी सबसे निचली श्रेणी माइक्रो कंप्यूटर। अब हम बात करते हैं दूसरा, यानी कि मिनी कंप्यूटर्स की। अगर हम मिनी कंप्यूटर्स को की बात करें तो हम मिनी कंप्यूटर्स का प्रयोग वहां करते हैं जहां पर हमें ज्यादा प्रोसेसिंग की आवश्यकता पड़ती है। ये आमतौर पे बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में, जहां पर ढेर सारी प्रोसेसिंग की आवश्यकता है, वो भी जल्दी, और ये आमतौर पे एक साथ कई यूजर्स को सपोर्ट करने की क्षमता रखती है। 1 से लेकर 50 यूजर्स को एक साथ ये काम करने की अनुमति देती है। तो अगर मिनी कंप्यूटर्स की बात करें तो सबसे पहले बात करें साइज की। अगर साइज की बात करें, ये आकार में माइक्रो कंप्यूटर से बड़े होते हैं, पर मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटे होते हैं। अगर हम इसकी स्पीड की बात करें, प्रोसेसिंग क्षमता की बात करें, प्रोसेसिंग पावर की बात करें, इनमें शक्तिशाली एवं उच्च प्रोसेसिंग क्षमता की वाले प्रोसेसर लगे होते हैं। कभी कभी इनमें
एक से अधिक प्रोसेसर भी हो सकते हैं। और आगे बात करें, इसके स्पीड की बात करें, ये कंप्यूटर उच्च गति से ढेर सारी ढेर सारा प्रोसेसिंग करने की क्षमता रखते हैं। इनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। जहां पर ज्यादा स्पीड से बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग करने की आवश्यकता होती है, जैसे बड़े बड़े फैक्ट्रीज में, बड़े बड़े कारखानों में, बड़े बड़े दफ्तरों में, ऑफिसेस में, जहां पर एक साथ कई यूजर्स को प्रोसेसिंग करने की सुविधा देते हैं, वहां पर इन कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। ये कंप्यूटर पचासों उपयोगकर्ताओं को काम करने की सुविधा देते हैं। अब आइए हम लोग बात करते हैं अगले की। हमारा अगला जो है नेक्स्ट, इसी में कॉस्ट की बात करते हैं। तो जाहिर सी बात है, इसमें अच्छा प्रोसेसर लगा है, ज्यादा रैम लगा है, ज्यादा स्टोरेज लगा है, ये कई यूजर को एक साथ कार्य करने की सुविधा दे रहा है, तो इसकी कीमत भी बाकी लोगों से ज्यादा होगी। यानी कि अगर इसकी कीमत देखें तो ये माइक्रो कंप्यूटर से बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, इनकी कीमत माइक्रो कंप्यूटर से बहुत अधिक परंतु मेन फ्रेम से काफी कम होती है। ये थे हमारे मिनी कंप्यूटर्स की बातें। चलिए अब हम लोग अगली कैटेगरी की तरफ चलते हैं, तीसरी कैटेगरी। और हमारा तीसरा जो कैटेगरी है उसे हम लोग कहते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, अगर हम मेन फ्रेम कंप्यूटर की बात करें
तो ऐसे कंप्यूटर आकार में बहुत बड़े होते हैं, एक छोटी आलमारी जितना, हमारे जितनी बड़ी आलमारी पकड़ लो, इतनी आलमारी जितना बड़ा हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है। ये आकार में बड़े होते हैं और इसके अंदर भी कई प्रोसेसर लगे होते हैं, उच्च क्षमता वाले, उच्च प्रोसेसिंग पावर वाले। ऐसे जो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हैं वो एक साथ हजारों यूजर्स को, हजारों प्रयोग उपयोगकर्ताओं को काम करने की सुविधा देते हैं। हमारे पास एक मेन फ्रेम कंप्यूटर होगा, इस मेन फ्रेम कंप्यूटर से अलग अलग यूजर कीबोर्ड और मॉनिटर माउस जोड़ करके इसी एक कंप्यूटर पे एक साथ काम कर सकते हैं और हजारों लोग एक साथ काम कर सकते हैं। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में, विश्वविद्यालयों में, बड़े कॉलेजों में, रिसर्च सेंटर्स में, जहां पर कई लोग एक साथ काम करना चाहते हैं और एक ही प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हैं, ऐसे जगहों पर जहां पे कोलैबोरेटिव प्रोसेसिंग की आवश्यकता होती है, अगर हम यूनिवर्सिटी की बात कर लें जहां पे हजारों की संख्या में लोग काम कर रहे हैं, उनके लिए अलग अलग कंप्यूटर लेने जाएंगे तो उसमें हमारा बहुत ज्यादा खर्च हो जाएगा। उससे अच्छा क्या है, एक मेन फ्रेम यूज कर लिया जाए। तो मेन फ्रेम में हमारे पास एक कंप्यूटर पे कई यूजर एक साथ अपना कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस जोड़ करके उसी एक कंप्यूटर पे काम करते हैं। तो ऐसे कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो ये आकार में काफी बड़े होते हैं। अगर साइज की बात करें, ये आकार में बहुत बड़े होते हैं। अगर हम प्रोसेसिंग पावर की बात करें इनमें, उच्च क्षमता वाले एक से अधिक प्रोसेसर लगे होते हैं। ये एक साथ हजारों लोगों को इन पर कार्य करने की सुविधा देते हैं। अब अगर स्पीड की बात करें तो ये बहुत हाई स्पीड से ढेर सारा डेटा प्रोसेसिंग बहुत जल्दी कर सकते हैं, है ना। ये बहुत तीव्र गति से ढेर सारा
डेटा प्रोसेस करने में सक्षम होते हैं। और कॉस्ट की बात करें इनकी कीमत मिनी कंप्यूटर से बहुत अधिक होती है, अरबों रुपए का आते हैं। चलिए आखिरी श्रेणी की तरफ चलते हैं। हमारा आखिरी श्रेणी है सुपर कंप्यूटर। अगर हम सुपर कंप्यूटर की बात करते हैं तो हमारा सुपर कंप्यूटर इस श्रेणी के सबसे बड़े कंप्यूटर हैं, जिनका आकार दो बड़ी आलमारी या तीन बड़ी आलमारी जितने बड़े होते हैं। इनका आकार बहुत बड़ा होता है। इसके अंदर प्रोसेसर की अगर बात करते हैं तो प्रोसेसर की लड़ियां लगी होती हैं। देयर इज मैट्रिक्स ऑफ प्रोसेसर्स, एरे ऑफ प्रोसेसर्स, और सारे प्रोसेसर मिलजुल करके एक ही काम को या कई अधिक अलग अलग काम को एक साथ करते हैं। अगर हम साइज की बात करें, दे आर लार्जेस्ट इन साइज। प्रोसेसर की बात करें, दे हैव मैट्रिक्स ऑफ प्रोसेसर्स, और वो भी उच्च क्षमता वाले। सारे प्रोसेसर मिलजुल करके एक कार्य को या अलग अलग प्रोसेसर अलग अलग कार्यों को एक साथ करने की क्षमता रखते हैं। इसमें वेक्टर प्रोसेसिंग किया जा सकता है, एक साथ कई गणनाएं एक साथ किया जा सकता है। इसमें अगर हम बात करें स्पीड की, दे आर द फास्टेस्ट हूज स्पीड इज मेजर्ड इन टेराफ्लॉप्स। इसकी स्पीड को टेराफ्लॉप्स में नापा जाता है, बहुत अधिक स्पीड। जहां पर ज्यादा स्पीड से डेटा प्रोसेसिंग, जहां पर रियल टाइम प्रोसेसिंग की आवश्यकता हो, जैसे मौसम विभाग वगैरह में, इन सब का प्रयोग बहुत ज्यादा किया जाता है। और अगर कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट के हिसाब से इनकी कीमत बहुत अधिक होती है, अरबों रुपए का होते हैं। तो ये हमारे अलग अलग प्रकार के कंप्यूटर हुए। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे कंप्यूटर, अगर हम वर्गीकरण करें साइज, स्पीड और कॉस्ट के हिसाब से, तो कौन कौन से हो सकते हैं, उनके क्या क्या प्रयोग हो सकते हैं। और अगर हम उसका वर्गीकरण करते हैं वर्किंग नेचर के हिसाब से, तो हमारे पास तीन प्रकार के होते हैं, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। उम्मीद करता हूं कि आपको आज की क्लास बहुत रोचक लगी होगी, अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छा लगा है तो कृपया आप लोग इसको लाइक शेयर अवश्य करिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।